वेल हे गाइज, वेलकम बैक। आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। मैं हूँ आशीष कुमार। आज का वीडियो एक बार फिर से बहुत स्पेशल है मेरी लाइफ के लिए, जो कि ड्रीम था मेरा नाइकी शूज़ को पहनने का, स्पोर्ट्स वियर का जो रनिंग शूज़ होता है उसके बारे में कंप्लीट रिव्यू आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं, हम चैनल पर लाइफ स्टाइल से जुड़ी वो बातें बताते हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर बनने में आपकी मदद करता है। जैसे वॉक रोड में थोड़ा सा आपने झलकियाँ देखी होगी, थोड़ा सा मैंने स्नैप्स लिए हैं जो आपको थोड़ा कूल लगेंगे, और हम अनबॉक्सिंग करेंगे आज इस नाइकी शूज़ के बारे में जो मैंने पेयर ऑफ शूज़ खरीदे हैं, और होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत ही पॉपुलर शूज़ है, डाउन शिफ्टर 10 के नाम से बहुत पॉपुलर है। मॉडल्स टाइम टू टाइम अपग्रेड होते हैं। जैसे यहाँ पे है मई मंथ का बना हुआ है, मैं प्राइसिंग भी दिखा दूंगा, ठीक है। प्राइसिंग लास्ट में मैं आपको बताता चलूँगा, आप जब भी ऑफलाइन या ऑनलाइन खरीदेंगे वो आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ प्राइसिंग या अब जो शूज़ हैं, पेयर ऑफ शूज़ हैं, वो आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं, और बहुत ही कूल है, बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही कूल है। आई थिंक 100 से 110 ग्राम का एक पेयर ऑफ द शूज़, मतलब एक शूज़ होगा पेयर ऑफ में, आई थिंक 200 ग्राम होंगे, 200 ग्राम या 220 ग्राम ऐसे कस करके। बहुत अच्छे पेयर ऑफ शूज़ जिसे कहते हैं हमें, वो देखने को यहाँ मिल रहे हैं। और मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा देख के कि किस किस क्वालिटी या किस तरीके से कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है, और क्या ग्रिपिंग है, क्या सॉफ्टनेस है, क्या वेंटिलेशन है। आपको वेंटिलेशन विंडो एक तरह से मिल जाती है, जो नाइकी के लोगों पे है वो भी मैं आपको गौर करके आपको जूम करके दिखाऊंगा किस तरीके से वेंटिलेशन है। और पेयर ऑफ शूज़ पे हर जगह ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है, चाहे स्ट्रिप्स के ऊपर हो या पॉइंटेड शूज़ पे हो, और साइड्स पैनल पे भी आपको आराम से यहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, लोगो हर जगह है। और नाइकी जिस तरीके का ब्रांड है बहुत ही वेल नोन ब्रांड है, और बहुत ही हर लोगों का, जो भी मेरी तरह यंग जनरेशन है, सबका सपना एक होता है कि नाइकी के शूज़ जो एक्सपेंसिव शूज़ होते हैं वो पहने जाए। और ये ऑलमोस्ट आई थिंक 4000 का है, और इससे भी एक्सपेंसिव आते हैं। आपको डिपेंड करता है कि आपको किस पर्पज़ के लिए लेना है। प्रॉपर मैं जिम और रनिंग के पर्पज़ से ले रहा हूँ, सुबह वॉक करने के थ्रू हम जब रनिंग करते हैं तो एक सॉफ्ट टच वाली जो शूज़ होते हैं, देखिए यहाँ साइड से एक कॉर्नर पे भी आपको सोल पे एक लोगो आपको देखने को मिलेगा, साइड से ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है, और क्या कहने, मतलब आप जब पहली बार इसे देखेंगे तो वॉ वाली वाली फीलिंग आएगी, मतलब बहुत ही पॉपुलर है। मतलब आप जब इसके रिव्यू देखेंगे हमारे चैनल पर या और भी कहीं भी देखेंगे तो आपको बहुत ही खास दिखेगा। अंतर क्या है कि अगर आप जब इसे ऑफलाइन खरीदते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, वहाँ देख के ख़रीदते हैं, तो आपको पहली नज़र में आपको लगे कि नहीं ये कुछ हटके जो शूज़ हैं बहुत ही हल्के हैं और बहुत ही कंफर्टेबल हैं आपको दौड़ने में, आपके रनिंग में, आपकी हेल्दी लाइफ को जीने में, मेंटेन करने में, यानी आपके पैरों में अगर दर्द होते हैं तो आप इस तरह के सॉफ्ट शूज़ पहनिए। अगर आपके ऑफिस में अलाउ है या आप ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पे शूज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं, डेफिनेटली इसने पेयर ऑफ शूज़ को पहन सकते हैं। यहाँ पर नाइकी डाउन शिफ्टर और लोगो है, और लेस पे बहुत अच्छा एक ग्रिप के लिए यहाँ पे एक होल दिया है ताकि आप उसके थ्रू अपने ग्रिपिंग को बरकरार रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से टाइट फिटेड, और आगे सबसे कूल दिखने वाला एक लोगो नाइकी का, और मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आया है। और ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का है कि अगर आपको शूज़ खरीदने तो इससे बेहतर शूज़ अगर कोई हो ही नहीं सकता है। मेरी पसंद में वन ऑफ द बेस्ट शूज़ है जो रनिंग के लिए आपकी जो नीड है उसे पूरी फुलफिल कर देगा, चाहे वो आप लड़की हो या लड़का हो, कोई भी इसे खरीद सकता है। वुमेन एडिशन अलग आता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम रहता है, सब कुछ सेम है। कुशनिंग बहुत अच्छी है, आप जब प्रेस करते हैं सोल पे वो कुशनिंग बहुत अच्छी है। थोड़ा सा नीचे से हार्ड है क्योंकि वो सोल है तो डेफिनेटली वो हार्ड होगा, और नीचे भी आपको लोगो आपको देखने को मिलता है। बहुत ही कूल, बहुत ही अच्छा, बहुत लाइट वेट, मतलब सिर्फ तारीफ ही निकल रही है। मतलब क्योंकि आप काफ़ी टाइम से चीज़ सोचते हैं और वो चीज़ पूरी होती है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार कितने बरसों से मेरा एक छोटा सा सपना था कि जो वो पूरा हो। और नाइकी का लोगो हर लोगों को, मतलब हर किसी का फेवरेट होता है, मतलब कि सबको पसंद है। जैसे बीएमडब्ल्यू की कार में बीएमडब्ल्यू का लोगो, वैसी तरीके से आपको यहाँ पे नाइकी के जो शूज़ है उस पर आपको कहीं ना कहीं लोगो बहुत पसंद होता है, और एक अलग आइडेंटिटी प्लेस करता है। अगर आप भीड़ में चल रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं, हाँ वेल टू डू हैं या वेल एजुकेटेड हैं इस तरीके से, कि मतलब पढ़े लिखे होंगे, अच्छा अर्न कर रहे होंगे, इसलिए आप यहाँ पे अभी अपने शूज़ को दिखा के बर्न कर रहे हैं अपनी मनी को, तो कुछ इस तरीके का है। ये पर्सनली कॉन्सेप्ट है मेरा अपना पर्सनल मानना है कि आप जितने अच्छी चीज़ें पहनते हैं, अच्छा चीज़ें खाते हैं, अच्छी दोस्तों के साथ रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ऐड ऑन है और बेहतर बनाने आपकी मदद करता है। तो क्या ओवरऑल लुक एंड फील है, होप अगर कोई व्यूअर हमारे इस चैनल पे अगर उन्होंने ये नाइकी का जो डाउन शिफ्टर 10 है अगर बाई किया है तो फिर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो कैसे रहा, और मैं पहन के भी दिखाऊंगा कि ये पहनने के बाद किस तरीके का था,
खुद से वीडियो बनानी थी तो मैं ज़्यादा कुछ जस्टिफाई नहीं कर पाया आपको दिखाने में, लेकिन होप आपको थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ ये किस तरीके का रहने वाला। तो छोटा सा क्लिपिंग है, आप इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके का आपके पैर पे कितना, ये पैरों पे कितना कूल लगता है। ब्लैक सॉक्स के साथ आप पहनिए और ये देखिए कितना है। मैंने इसे रन किया है थोड़े दूर तक और बहुत ही कम्फर्टेबल एकदम फिटेड। मतलब एक होता है, कई बार होता है कि आप बहुत टाइट होता है या बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं, तो 8 पेयर ऑफ का यूके जो नंबर है वो है और बहुत ही फिटेड शूज़ है और आप आराम से इसे पहनिए घूमिए किसी भी पर्पज़ में। रनिंग शूज़ ऐसे शूज़ होते हैं जो किसी भी पर्पज़ पर आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी जाना है कुछ भी, मतलब कहीं भी, मतलब आप अगर आप ट्रैवलिंग के लिए कर रहे हैं, आप माउंटेन पे चढ़ना है, ये करना है, तो ग्रिप इस तरीके की और कुशनिंग इतनी सॉफ्ट है ताकि आपको कोई भी तरीके का कंफर्टेबल में जो होता है ना, आपको जो फील पेन फील होगा वो कहीं से नहीं होगा, आपको एकदम कंफर्टेबली आपके पैरों में समा जाता है और आपको अंदर से एक एहसास दिलाएगा कि आपने एक विल ब्रांडेड जो शूज़ है वो आपने पहने हैं। तो ये देखिए कुछ ओवरऑल थोड़ा सा है जो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ा दिखा पाऊँ। मैं अपने पैर पे बैठा हूँ, यहाँ पीछे रनिंग का लोगो है, यानी कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू रनिंग शूज़ और बेहतरीन ग्रिपिंग, बेहतरीन जो कुशनिंग है वो है और जो फैब्रिक्स इसमें यूज़ किए हैं वो वन ऑफ द बेस्ट, जो बेस्ट वेंटिलेशन के लिए है। मेनली ये क्या है कि जो शूज़ है यहाँ पे, जो नाइकी के जो आपको लोगो दिख रहे हैं वहाँ पे वेंटिलेशन का ही एक आपको एक विंडो है जो आपको लाइट जब अंतर आप डालेंगे तो वो आपको बाहर की तरफ धकेलता है, यानी दिखेगा। ये प्योर वेंटिलेशन है और बहुत ही अच्छे शूज़ है। सिर्फ तारीफ जैसा मैंने पहले कहा, सिर्फ तारीफ ही निकल रही है, तो अच्छी चीज़ों का हमेशा तारीफ ही निकलती है। होप आपको ये जो पेयर ऑफ शूज़ के जो छोटा सा वीडियो है, रिव्यू है, आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया क्या रहा है, किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। और हमारी ये वीडियो जो छोटी सी कोशिश है, प्रोफेशनली नहीं है लेकिन बस ऐसा ही एक है जो हम आपके लिए लेके आते हैं, और आप इतना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह सपोर्ट देके। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।